सामा है के बाद इसरार, इसरार नॉन स्ट्राइक पे है और इसराइल स्ट्राइक पे है आसिफ। अब कैप्टन कूल, कैप्टन कूल मेरे कहा स्ट्राइक पे है, जो क्या करेंगे, किस तरह से गलेबाजी करेंगे दोस्त। तो ये खेत गेहूं के खेत को देखकर मुझे याद आया था हरित क्रांति का नारा, तो इंदिरा गांधी आकर यहाँ पे हरित क्रांति का नारा लगाया था कि हम हफ्ते में एक दिन गेहूं नहीं खाएंगे, और गेहूं के लिए बेपनाह मेहनत की गई, और आज का जाकर शुक्र है कि गेहूं हमारा देश दूसरे देश को देता है। तो इस गेहूं की फसल को हम बर्बाद ना करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसको हम बचाएंगे। और अगर आज की सरकार आपकी फटाफट साइन कर देती, हाँ करिए, तो जहां पे जा रहा मतलब नहीं है। तो यहां भी हुए, तो वह शुरू किया, फिर तक पहुंचे, और ये कैप्टन के वजह से अच्छा स्ट्रोक निकला, फिर वहां पे आया और फिर गेंद चकमा देती बनाने के बाहर, वहां पे आसिफ प्रधान इलेवन ने कहा सहमत टू कैप्टन तैयार, रोक चोर से कौन शुरू किया, विकेट तक पहुंचे गए जाएंगे। एक और अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर चुका है बढ़िया सारी के साथ, एक ले जाएगा, वेलकम कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, मैसेंजर पे मैसेज करिए, फिर बात करते हैं। सलमान परवेज मौजूद, चेक कर लेंगे, एक रन जरूर मिलेगा, इसका खेल की दुनिया है उसमें लगे रहते हैं, उनकी आवाज जरूर सुनने को मिलती है। तो ये अच्छी गेंद है, गेंद से सहला दिया, देखा कि गेंद बाहर निकल रही है, हल्के से खेल कर गेंद पूरा किया, इसको से एक फायदे पहुंचा यहाँ पे चौबीस रन। और ये एक ऐसा गांव जो गांव जाना गया समाज की सेवा के लिए, जो गांव जाना गया गरीबों के साथ चलने वाला गांव जाना गया छाओ, और फिर को उसका ड्राइव किया गया बिल्कुल सूर्ति के साथ यहाँ पे, और बेहतरीन फील्डिंग करना चाह माजिद, लेकिन रास्ते लड़का है, दो रन जरूर पूरा कर लेंगे इसको चीजों के साथ। बत्तीस रन अपन मिला करके तेरह, और उसके साथ साथ इंतजार ने फिर मिला करके लगभग 20 रन का स्कोर किया, फिर इसने इस बार थोड़ी सी साइड चेंज किया, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए ड्राइव कर दिया ऊंचा लंबा स्ट्रोक ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रनों के लिए, छह रनों के साथ स्कोर अच्छा रही मारता हुआ 42 रन, फिर से पकड़ दिया है ऑन साइड में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का, ये स्क्वायर लेग के बहुत पीछे की तरफ एक और छक्का, कैप्टन को शुक्रिया आमिर साहब आपका। 47 रन, फिर से इस बार गेंद को लूट किया है, ये भी शॉट किया छोड़ दिया इसरार, कैप्टन इसरार लंदन है, और एक क्या नाम है अच्छा भाई, अच्छा भाई, कोई कह रहा 6 के हो गया, कोई कह रहा 5 के हो गया, चलिए हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। मानो छक्कों की बरसात ही चल रही हो, फिर से लॉफ्ट कर दिया हाइडल के बिल्कुल बाहरी तरफ, एक और छक्का चौका है, चार है, अच्छा यहाँ सामने से अच्छा चार, इस दफा कुल मिलाकर के चार मिलेंगे, और देखते ही देखते स्कोर अब जा पहुंचा है कुल 66 रनों पर। मैं भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, विश्व क्रिकेट की थोड़ी बातचीत करते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों का एक बहुत बड़ा जखीरा रहा है भारत के पास, युवराज सिंह की चर्चा, भैया भैया हमारा तो फेसबुक में खराब कर लीजिए, गौतम गंभीर की चर्चा कर लीजिए, और बहुत सारे बल्लेबाज आपको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भारतीय टीम में कौन ज्यादा प्यारा है ये बताइए, लेकिन उससे पहले मालूम नहीं है तारिक भाई, अच्छी क्रिकेट खेल के दिया है गौतम गंभीर, जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा था उसने बहुत बड़ा योगदान 2011 में किया था, और युवराज सिंह जैसा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तो कोई पैदा नहीं हुआ, उन्होंने तो कैसे को हरा दिया था क्रिकेट के मैदान पर, इसका जुनून था कि उससे बड़ा क्रिकेटर शायद हिंदुस्तान को लेफ्ट हैंडर कोई मिले, रॉबी सिंह एक और था अपना जो पुराने जमाने का सबसे अच्छा था, लेकिन युवराज सिंह सबसे कैप्टन बैटिंग कर रहे थे, था युवराज सिंह गंभीर के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी थी हिंदुस्तान के लिए, और प्रवक्त हाँ भाई हाँ अनायत भाई हाँ देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, सबसे अच्छा लेफ्ट हैंडर भारत के पास ऑलराउंडर है। निश्चित तौर पर इत्तेफाक रखता हूँ आपसे कि थोड़ी चर्चा भी की जाएगी, अभी एक राइट हैंडर बैट्समैन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मैं देख रहा हूँ, ललचाई निगाहों से देख रहा है कि सामने वाले बैट्समैन अगर इतने सारे रन बना रहा है तो आखिर मैं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर से आते हैं कि मैच की हालत पतली है, और यूं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी पतलून की है, फिर से लॉट किया, एक और छोरन यहाँ जरूर मिलना चाहिए, जी हाँ एक और जाने सलमान परवेज जो कभी कभी पार्ट टाइम के पास आज नहीं कर रहा है, कैप्टन क्या होती पूरी करेंगे, जी जी वहां पे चांद बन रहा है, और ये कितने हैं छह, फिर है तीन, फिर खा जाएगा महमूद भाई, मुझे मालूम नहीं है मोहित दीनपुर का मैच का, लगातार छक्का रहा है इस राह के बल्ले से,
बच्चन ग्रीन सिटी, तीन सौ रुपए के नाम दिया है यहाँ पे। चेक कलर की चस्ती में एक और नया बॉलर, बिल्कुल काले और लाल पे ये लड़की पूरी कर चुका है। की पहले फिफ्टी बल्लेबाज कैप्टन क्या आई है, 100 रुपए खेल रहे हैं आज। अब कोई नई टीम नहीं खेलेगी, बदलना चाह और कैच छुट गया वहाँ पे। कैप्टन के लिए आज मेहसरन ने चार हैट्रिक हो चुकी है, एक विकेट की हैट्रिक, तीन शतकों की हैट्रिक, दो काउंट कैच भी हो चुके हैं। एक बिल्कुल कर दिए, तीसरे किसी खेल का एक रन पूरा कर रहे हैं। 134 तैयार मारे तमाशो की आप तक पहुंचे गए चलेंगे। कैप्टन को एक ओवर सोचते थे जो एक ओवर बल्ले से गगन भेदी स्ट्रोक निकला है। ये तो नहीं लग रहा है कि हाथ में बल्ला है, ये लग रहा है कि राह बाहर लेके निकले हैं। ये बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। कैप्टन की बल्लेबाजी को देखकर तमाम लोग आकर्षित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप युद्ध पहुंचे गए करेंगे एक और को स्ट्रोक खिला गया वहां पे, एक रन जरूर मिलेगा। अब जहां पहुंचे हैं कैप्टन 79 रनों पे और स्कोर जो पहुंचाए थे एक के साथ 143, 143 रन बना। जानते हैं नौजवानों इसको, तो आपको याद होगा कि किसे कहते हैं 143 सात ओवर में 143 बना दो सात ओवर में। अब आठ ओवर लेके आ रहे हैं अंदर, बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाया है और कैप्टन की बल्लेबाजी को देखकर पूरा दर्शक सारे दर्शक ये कहते हैं साकी लिखा कुमार लिखा जाम लिख दिया। एक दिल बचा था वो भी तेरे नाम लिख दिया। बेहतरीन कैसे दायर किया गया लेकिन एक मिलेगा। 80 पहुंचे कैप्टन, बात रहे दो तरह की बात कर रहे हैं और कैप्टन के विकेट को साथ रहे थे, दो मिल जाएगा। अब तीसरा मिलेंगे या गेंद बाउंड्री की तरफ भी जाएगी। आफाक साहब हल खेल के जा रहे हैं वहां पे और यहां पे तीन रन पूरा कर लिया और चौथे की बात कर रहे हैं। आसिम को जाना पड़ेगा, जहां एक था वहां चार। अब तो ये रन तोहफे में दे रही है टीम यूनिक इलेक्ट्रीशियन। इसी चार के साथ इसको जब पहुंचा 147 आठ ओवर का है कि उनके पास हिटिंग भी है, उनके पास डिफेंस भी है, उनके पास कैप में खेलने का क्लास भी है, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे है। बस एक ही चीज नहीं है, सेकंड राउंड अभी दूसरा मैच अभी होगा, इसके बाद वाला मैच पूरी बेहनी के साथ टकलाना हमला कर रहे हैं अपने बैट से। इसी और वहां पे चार रन, इसी चार के साथ इसको जब पहुंचा 151 और 87 अपना व्यक्तिगत स्कोर बढ़ाते चले जा रहे हैं। 87 रन पे खेल रहे हैं 87 मध्य मुकाबले टीम जो देख रही है टीम चवा एंटरप्राइजेस, वो रणनीति बना रही होगी कैप्टन को रोकने की कि कैसे लगे मैच में रोका जाएगा। लेकिन इंद्रासर और महमूद भी जबरदस्त फॉर्म में है और फिर ड्राइव करने का चक्कर जरूर टाइम मिलेगा, तो फिर की काम करेंगे वहां से कैप्टन और ये गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये चार 91 पे दो छक्का कह रहे हैं आसिफ कि दो छक्का कैसे लगा दीजिए काम बन जाएगा। कान पे भी बल्लेबाजी कर रहा है ये खनहार नौजवान क्रिकेटर, दुबई में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। अंदर तैयार युद्ध पहुंचे खेल दिया है, उठा दिया है गेंद जारी बाउंड्री के बाहर पहुंचे 97 पे पहुंचे में और 161 हो चुका है 161 हो चुका है आजमगढ़ की भाभी आजमगढ़ में आ चुकी है, कैप्टन उसी से मिल के आ जाए हैं, ऐसा कहानी बल्लेबाजी बता रही है। तैयार होती हुई 100 पूरा किया 100 पूरा किया 103 रन की पारी 103 रन की पारी
103 रन की पारी, बहुत दिनों के बाद कोई शतक देखने को मिला है।